पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस सरवत गिलानी ने हाल ही में अपने इंटरव्यू के दौरान एक शॉकिंग खुलासा कर अपने फैंस को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे वो अपने 4 दिन की बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जिसकी जान उनके पति ने बचाई थी। लेकिन एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सरवत ने खुलासा करते हुए बताया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के दौरान उन्होंने बहुत ही बुरे दिनों को फेस किया। अपने इंटरव्यू में एक्ट्रेस कहती हैं कि मां बनने के बाद वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से इस कदर परेशान हो गई कि अपने न्यूबॉर्न बेबी को ही खत्म करना चाहती थी। वो कहती हैं, मैं अपनी बेबी को 4 दिन बाद अस्पताल में मिली क्योंकि मेरी सीरियस सर्जरी हुई थी। जब मैं अस्पताल में अपने बच्चे से मिली तो मैं उसको फीड करा रही थी और वो स्ट्रगल कर रही थी। मैं भी उसको फीड कराने के लिए स्ट्रगल ही कर रही थी, तभी मुझे फीलिंग आती है कि मैं इसे गिरा देती हूँ, ये गिरेगी तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। जब मैं कमरे में गई तो बस रोए जा रही थी। तब मैंने पति फहाद से कहा, मैं बेबी को खत्म कर दूंगी। इसके बाद मेरे पति ने ही मुझे समझाया कि मैं इस समय पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी कोई परमानेंट फीलिंग नहीं है, जब ठीक हो जाओगी तो ये फीलिंग भी चली जाएगी। इसलिए मेरा मानना जरूरी है कि लोगों में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आपको माँ बनने के बाद अजीबोगरीब फीलिंग आ रही है तो ये वही है। माँ बनने के बाद अगर आपके दिमाग में गलत ख्याल आते हैं तो समझ लें ये आप नहीं है, बस आपका मेंटल स्टेट है। लोगों को प्रेगनेंसी से पहले पोस्टपार्टम के बारे में पता होना चाहिए, उनको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको है तो आपको अपनी सोच पर गिल्ट भी होता है कि माँ होने के नाते आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। अब आइए आपको भी बता देते हैं कि आखिर ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है और इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के 1 साल बाद तक शुरू हो सकती है। ये एक मानसिक बीमारी है जो आपके सोचने, महसूस करने या कार्य करने के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हालांकि शुरुआत में पोस्टपार्टम डिप्रेशन और सामान्य तनाव और थकावट के बीच अंतर कर पाना मुश्किल होता है। गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद थकावट, उदासी, निराशा की भावनाओं का अनुभव करना असामान्य नहीं है, लेकिन अगर भावनाएं आपको दैनिक कार्यों को करने से रोके तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ही संकेत है। बिना किसी कारण के चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा करना, ज्यादा मूड स्विंग्स होना, किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना, किसी भी काम को करने में आनंद ना आना, अस्पष्ट दर्द, पीड़ा या बीमारी का एहसास होना, अनियंत्रित भूख या खाने की अनिच्छा, गर्भावस्था के बाद भी लगातार वजन बढ़ना, आत्मनियंत्रण की कमी होना, बिना कारण रोते रहना, थकान महसूस होना, आराम करने के बाद भी नींद ना आना, अपने आसपास के लोगों, यहाँ तक कि दोस्तों और परिवारों से भी बचना, अपने बच्चों के बारे में ज्यादा चिंता करना या बच्चे की देखभाल करने में कोई दिलचस्पी ना होना। बता दें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, साथ ही इसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। डिप्रेशन के रोगी में मोटापा, दिल का दौरा और लंबी बीमारी का खतरा रहता है। अगर आप सचेत रहें और डिप्रेशन के लक्षणों को समझें और पहचानें तो इसका डॉक्टर से इलाज जरूर कराएं, ऐसे में इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।